रेडमी के फिफ्टी आई जो फाइनली इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है ट्वेंटी एथ ऑफ जुलाई को जो so, चाइना में लॉन्च हुआ रेडमी नोट इलेवन टी प्रो का रिब्रांडेड वर्जन है और इसी फोन का ग्लोबल वर्जन पोको एक्स फोर जी टी के नाम से लॉन्च हुआ है वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर हॉट फास्ट रिफ्रेश रेड डिस्प्ले फ्लेक्सिब क्रेड प्रोसेसर आईपी फिफ्टी थ्री रेटिंग सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप यूज बैटरी एंड मेनी मोर दोस्तों आज मैं रेडमी के फिफ्टी आई या तो फिर नोट इलेवन टी प्रो का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ जो इंडिया में 28th को लॉन्च होने जा रहा है मेरा नाम मिलन है लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में ज्वाइन तो कर, कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं तो ये है रेडमी नोट इलेवेंटी प्रो का बॉक्स जो इंडिया में रेडमी के के ब्रांडिंग के साथ आएगा बॉक्स के ऊपर फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है और साइड में सिक्सटी सेवन वेट का टर्बो चार्जिंग मेंशन किया गया है बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं बॉक्स में नोट इलेवन टी प्रो फोन केबल का पावर क्लियर केस और यूजर मिल जाता है फोन के प्लास्टिक रेप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड की फोन यहाँ कलर में मिल जाता है इसके अलावा ब्लैक एंड ब्लू कलर भी मिल जाते हैं और दोस्तों इंडिया के कलर भी लीक में आ गए हैं इंडिया में फैंटम ब्लू स्टेल्थ ब्लैक एंड क्विक सिल्वर के नाम से कलर्स आने वाले हैं फोन का बेक देखें तो मैट फिनिश दिया गया है बॉटम में फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है टॉप लेफ्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और कैमरा मॉड्यूल साउमी 12 प्रो की तरह ही देखने को मिलता है मेटल का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बम्पी मिल जाता है फोन की साइड्स कॉर मिल जाती है इन हैंड फील यहाँ पे अच्छी मिलेगी डायमेंशन देखे तो थिकनेस करीब 8.9 पॉइंट mm नाइन की और वेट करीब 200 हंड्रेड ग्राम्स का है तो वेट में थोड़ा हैवी है ये ऑल ओवर फोन की डिजाइन में कुछ नया देखने को नहीं मिलता है कैमरा मॉड्यूल में दो लेंस के अराउंड क्रोम रिंग मिल जाती है यानी फ्लैट सरफेस पे रखने पे लेंस को प्रोटेक्शन मिल जाएगा फोन में प्लेसमेंट की बात करें तो बॉटम में ड्यूल सिम ट्रे प्राइमरी माइक्रोफोन टाइप सी पोर्ट और बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाता है राइट right में वॉल्यूम रोकर एंड पावर बटन मिल जाता है और पावर बटन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है टॉप में आयर ब्लास्टर थ्री पॉइंट फाइव हेडफोन जैक और टॉप फायरिंग स्पीकर मिल जाता है तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हेडफोन जैक मिलता है फोन में और फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और साथ में डोलोस और हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है तो मल्टीमीडिया एंड गेमिंग एक्सपीरियंस फोन में डासू मिलेगा Redmi Note 11T Pro या तो फिर K50i में डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच की ज्यादा मिलता है और ये IPS LCD डिस्प्ले है लेकिन दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट एल सी डी मोबाइल फोन स्क्रीन दैट वींस द डिस्प्ले मेट ए प्लस रेटिंग और इसको कंपनी ने फ्लेक्सिप एल सी डी हाई एंड आई प्रोटेक्शन स्क्रीन भी कहा है डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट 144 हंड्रेड की मिल जाती है लेकिन रिफ्रेश रेट सेवन स्पीड वेरिएबल मिल जाती है अगर आप ब्राउजिंग और वीडियो देख रहे हैं तो रिफ्रेश रेट 30, 48, 50 या 60 हर्ट्स की मिलेगी और अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो रिफ्रेश रेट 60, 90, 120 ट्वेंटी आर वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर हर्ट्स की मिलेगी यानी बैटरी कंजम्पशन कम होगा डिस्प्ले में टच सैम्पलिंग रेट 270 सेवेंटी हर्ट्स का मिल जाता है डिस्प्ले में एच डी का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है मैक्स ब्राइटनेस लेवल सिक्स फिफ्टी तक मिलेगी क्योंकि ये एलसीडी डिस्प्ले है साथ में डीसीआई थ्री सिनेमेटिक व्हाइट कलर गमूट पे मिल जाता है और डिस्प्ले में मोस्ट एडवांस डीसी डिमिंग का फीचर मिल जाता है इंडस्ट्रीज मोस्ट एडवांस आई प्रोटेक्शन सॉल्यूशन जो इफेक्टिवली स्क्रीन फ्लिकरिंग को एलिमिनेट करता है और फोन में हार्डवेयर लेवल ब्लू लाइट फिल्टर भी मिल जाता है आप यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं ऑल ओवर फोन में डिस्प्ले एलसीडी मिलती है लेकिन दूसरी एलसीडी डिस्प्ले के कंपेयर में यह बेस्ट डिस्प्ले है और एमोलाइड डिस्प्ले के कंपेयर में एलसीडी डिस्प्ले में नेचुरल आई प्रोटेक्शन भी मिल जाता है Redmi Note 11T Pro या तो फिर K50i में परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडिया टेक 8100 प्रोसेसर मिल जाता है जो टी के फाइव नैनोमीटर फेब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है मैक्स क्लॉक स्पीड टू पॉइंट की मिल जाती है रैम एल पी मिलेगी और स्टोरेज यू एफ मिल जाता है और दोस्तों जल्दी ही फोन में एल पी टी रैम आने वाली है और ट्वेल्थ ऑफ जुलाई को वर्ल्ड का पहला फोन आने वाला है जो एल पी टी रैम के साथ आने वाला है कौन सा है वो देखने के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करना पड़ेगा जहां पे लेटेस्ट एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते हैं अब वापस Redmi K50i फिफ्टी आ जाते हैं फोन में इंटू टू स्कोर एट लेख थर्टी सिक्स थाउजेंड के ऊपर मिल जाता है और इंडिया में दो स्टोरेज वेरिएंट आने वाला है वो भी लीक में आया है सिक्स वन ट्वेंटी एट और एट टू फिफ्टी सिक्स फोन में हाई एंड गेम हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं एवरेज फ्रेम रेट भी ज्यादा मिल जाती है और स्टेबल मिलती है और रियल टाइम गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एक्स एक्सिस लिनियर मोटर भी मिल जाती है क्योंकि फोन में फ्लेक्सिप लेवल का प्रोसेसर है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस टा ही मिलेगा रेडमी के या तो फिर इलेवन टी प्रो में कैमरे की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है और थर्ड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है आप यहां पर सैंपल फोटोज देख सकते हैं फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलेगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन मिल जाता है फोन में मेन कैमरा में फोर वीडियो थर्टी ए पी रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट में फुल एच वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाएंगे ऑल ओवर फोन में कैमरा एबोव एवरेज मिल जाता है रेडमी के फिफ़्टी आई या तो फिर नोट इलेवेंटी प्रो में ओ एस की बात कर तो रेडमी यू आई थर्टीन पर चलता है जो बना है एंड्रॉयड ट्वेल्व के ऊपर जो बहुत सारे फीचर्स के साथ तो आता है लेकिन प्री इंस्टॉल ऐप काफ़ी सारी मिल जाएगी और इंडिया में तो एड्स भी काफ़ी सारी देखने को मिलेगी रेडमी नोट इलेवेंटी प्रो या तो फिर के फिफ़्टी आई में बैटरी की बात करें तो फाइव थाउजेंड एटी एम एच की ह्यूज बैटरी मिल जाती है इस पर कंपनी ऑल डे वर्क और आउटडोर एक्टिविटी के बाद बैटरी वन पॉइंट थ्री टू डेज चलती है बैटरी को चार्ज करने के लिए 67 सेवन वेट का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो बैटरी को 5 मिनट में 10 परसेंट और 15 मिनट में 30 परसेंट तक चार्ज कर देता है रेडमी के फिफ्टी आई या तो फिर नॉट एलवेंटी प्रो के बेस वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो चाइना में जो इसकी प्राइस है वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब ट्वेंटी से शुरू होती है कंक्लूजन पे आए तो फोन में डिस्प्ले परफॉर्मेंस बैटरी अच्छी मिल जाती है ऊपर से थ्री पॉइंट में हेडफोन जेक भी मिलता है तो ये एक परफेक्ट गेमिंग फोन के रूप में भी आप ले सकते हैं और इंडिया में ये फोन के फिफ्टी के नाम से ट्वेंटी जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है अगर इसकी प्राइस ट्वेंटी के अराउंड आ जाए तो इस फोन को मैं हंड्रेड परसेंट रिकमेंड करता हूँ यह बेस्ट फोन होगा इस सेगमेंट का तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं Redmi K50i के बारे में कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला यू वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए हमारे टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डेन कीप स्माइलिंग